हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। होपफुली आप लोग सब बढ़िया होंगे, एकदम मजे में होंगे। तो आज मैं एक ब्लॉग नहीं, एक हॉल वीडियो आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ। तो आप लोगों को याद ही होगा, मैंने बंजारा मार्केट का एक ब्लॉग आप लोगों के साथ शेयर किया था। तो उसी के कमेंट सेक्शन में बहुत सारे कमेंट आए थे कि आपने ये नहीं दिखाया कि क्या क्या आप शॉपिंग करके लाए। तो मैंने ये बोला था कि मैं जरूर उसके ऊपर वीडियो बनाऊंगी। उसके बाद भी मैंने बहुत सारे वीडियोस अपलोड करी, तो मोस्टली सभी के अंदर ये कमेंट आता था कि वो वीडियो कब आएगी। तो फाइनली आज मैं वो बना रही हूँ, होपफुली कल तक ये वीडियो आप लोगों के पास आ जाएगी। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो ये मेरी फर्स्ट हॉल वीडियो है, तो कुछ गड़बड़ हो जाए, ऊपर नीचे हो जाए, तो प्लीज थोड़ा एडजस्ट करना। आप ये ऐसी प्रैक्टिस करके ही बंदा धीरे धीरे सीखता है, तो मैं भी सीख रही हूँ। और होपफुल मैं अच्छे से आपको जो जो चीजें लाई थी उनके प्राइस और सब कुछ मेंशन करूंगी। बहुत सारी वीडियोस ऑलरेडी यूट्यूब पे हैं जिनमें प्राइस दिखाते हैं, किसी में बहुत ज्यादा होता है या किसी में बहुत कम होता है। तो मैं जो एक्चुअल प्राइस में खरीद कर लाई हूँ, मैं वही आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट जो मैंने जो चीज खरीदी थी वो था ये ब्यूटीफुल सा सिरेमिक का प्लांटर। तो ये जस्ट मैंने 30 रुपीज में बाय किया था, क्योंकि ये पीछे से हल्का सा, ये देख रहे होंगे आप, क्रैक था इसके अंदर। बट मुझे लगा कि ठीक है, मतलब डेकोरेशन के पर्पज से अगर मुझे 30 रुपीज में मिल रहा है तो नॉट अ बैड डील। तो मैंने ये ले लिया और मैं इसको डेकोरेट भी किया था दिवाली पे, तो ये एक अच्छी मुझे जो है डील लगी। वैसे भी बंजारा मार्केट सिरेमिक के लिए बहुत ज्यादा फेमस है, और ये नहीं है कि सारे आपको 30-30 रुपीज में मिलेंगे, नहीं, ये 150 का था। बट ये उनके लिए वेस्टेज था, तो मैंने वेस्टेज में इसको ढूंढा। मतलब बहुत सारी चीजें उनके लिए, अगर क्रैक आ गया तो उनके लिए तो वो खराब हो गई है और कोई बाय भी नहीं करेगा। तो मैं ले आई, एक आधा मेरे जैसे भी होते हैं। तो ये जस्ट मुझे 30 रुपीज में मिला। आपको अच्छा लग रहा होगा, मुझे वाइट में था तो बहुत ज्यादा पसंद आया। तो जो सेकेंड चीज थी वो था ये कैंडल होल्डर। दो साइज हैं, ये बड़ा है और ये छोटा है। ये भी मैंने दिवाली पे अपने कंसोल के ऊपर डेकोरेट किया था। ये देखिए, इसकी फिनिशिंग बहुत ज्यादा अच्छी है, और ये मुझे पूरा पेयर 600 में मिला। यहाँ आप देख सकते हैं कोई डैमेज नहीं है इसके अंदर, दोनों के ही सेम क्वालिटी है। तो काफी अच्छी डील थी। आप अमेजन वगैरह या मिंत्रा वगैरह पर चेक करोगे तो 1000-1000 में मिलती हैं, तो मुझे लगता है कि अच्छी डील थी, मैंने 600 में इसको लिया। तो कैंडल होल्डर में बहुत सारे ऑप्शन है, बल्कि मैंने एक कैंडल होल्डर नहीं, काफी सारे कैंडल होल्डर बाय किए हैं। तो नेक्स्ट मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। तो जी थर्ड आइटम है ये कैंडल होल्डर अगेन। ये भी मैंने 300 में बाय किए हैं। अगर आप होम सेंटर और या फिर होम टाउन और ये सब चीजों में या मॉल्स वगैरह में कंपेयर करोगे तो बहुत ज्यादा कॉस्टली होती है वहां रेंज। तो ये काफी अच्छी डील थी, फिनिशिंग काफी अच्छी है इसकी, तो आप जरूर इसको ले सकते हैं। तो ये दो पेयर मुझे 300 में मिले। तो अब चलते हैं अपने नेक्स्ट जो आइटम था उसकी तरफ। सो गाइस, जो नेक्स्ट आइटम है वो है ये कैंडल होल्डर। तो आप देख सकते हैं, मैं इसको पूरा आपको दिखाती हूँ। बहुत ज्यादा साइज में बहुत बड़ा है, और ये मैंने डाइनिंग पे अपने रखा हुआ था। इवन अभी भी कैंडल्स रखी हुई हैं इसके अंदर। तो ये काफी अच्छी डील लगी मुझे। तो ये मुझे 780 रुपीज में मिला, लेकिन सेम यही जो पीस है, अगर आप अमेजन पे चेक करेंगे होमशेक ब्रांड के नाम से, ये 2250 में या 3000 के रेंज में प्रोडक्ट मिल रहा है वहां पे। तो ये हाफ इन प्राइस में मुझे वहां से मिला, और फिनिशिंग बहुत ज्यादा अच्छी है इसकी। ये देखिए आप, कहीं से भी कोई कट वगैरह, कोई डिफेक्ट नहीं है इसके अंदर, बिल्कुल फ्रेश पीस था। तो आप ये जरूर वहां पे देख सकते हैं। कैंडल होल्डर में बहुत 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 सारे ऑप्शंस हैं, तो आपको अच्छी डील वहां ढूंढनी पड़ेगा। अच्छा, मतलब डैमेज प्रोडक्ट भी होते हैं, जैसे मैं लेके आई हूँ डैमेज, कई बार गलती से हम लोग बाय भी कर लेते हैं डैमेज प्रोडक्ट। तो अच्छे से देखें, ढूंढे और तसल्ली से बार्गेनिंग करें और फिर खरीद के लाए, तो ही आप अच्छी डील ग्रैब करेंगे। तो नेक्स्ट आइटम लेके आते हैं तब तक। तो नेक्स्ट आइटम है मेरा ये सिरेमिक का, किचन के लिए मैं लेकर आई थी मेरा मग। तो मैंने ये अलग अलग जगह से बाय किया, लेकिन पूरा सेट बनाया। तो ये मैं मग लेकर आई हूँ, दो ईच मुझे 50 रुपीज में पड़ा है, तो 100 के मैंने दो बाय किए। उसके बाद ये बॉल्स हैं इसके,
सेम पैटर्न है। तो ये 3 का सेट है जो मुझे 400 रुपीज में मिला। ये मुझे लगता है मैं थोड़ा महंगा लेके आई, अगर मैं थोड़ी अच्छे से बार्गेनिंग करती तो 350 तक वो मुझे दे देता। और उसके बाद ये सेम 4 प्लेट्स ईच 50 रुपीज में मुझे पड़ी हैं। तो काफी अच्छी डील है और काफी अच्छा इनका जो है, आप देख सकते हो कोई क्रैक नहीं है, एकदम फ्रेश आइटम्स है, तो बहुत अच्छी डील थी। बट ढूंढने से मैंने ये 3 जगह अलग अलग, जैसे मैंने बताया 3 अलग अलग जगह से बाय किया। अगर मैं एक जगह से लेती तो वो मुझे 1100-1200-1300 ऐसे पड़ रहा था, लेकिन ये 600-700 में मेरा पूरा डाइनिंग सेट पेयर बन गया। तो काफी अच्छी डील थी। तो किचन का हो गया, डाइनिंग का हो गया, काफी डेकोरेटिव चीजें हो गई। अब आते हैं मैट्स पे। तो वहां से मैं ये मैट लेकर आई हूँ, आप देख सकते हो। मैं इसको 2-3 बार वॉश भी कर चुकी हूँ, यूज कर रही हूँ। पीछे से देखो एंटीस्किड है, फिसलेगा नहीं बाथरूम में। तो ये मुझे 100 रुपीज ईच पड़ा 2 मैट। तो काफी अच्छी डील थी ये भी। बट बहुत सारे वैसे ही मैंने जैसे उन चीजों में बोला कि डिफेक्टिव प्रोडक्ट बहुत सारे होते हैं, तो आप अच्छे से देख के लें। और कार्पेट्स वगैरह में बहुत सारे ऑप्शंस हैं, बट क्या है कि अभी मतलब स्टार्टिंग में, अब से 1-2 साल पहले ना काफी रेंज कम होता था उन लोगों का, लेकिन अब जैसे ब्लॉग्स बनने लग गए, उनको भी पता लगने लग गया कि लोग बना रहे हैं, आ रहे हैं, तो रेट्स बहुत ज्यादा हाई हो गए हैं। तो मैट्स मैं ज्यादा नहीं लेकर आई हूँ, सिर्फ ये 2 मैट्स लेकर आई हूँ 100-100 ईच। अब नेक्स्ट आइटम पे चलते हैं। तो नेक्स्ट आइटम है मेरी ये गुल्लक जो मैं लाई हूँ 100 रुपीज में। बहुत अच्छा पेंट हो रखा है इसके ऊपर और फिनिशिंग काफी अच्छी है, तो काफी अच्छी डील थी। तो ये सब चीजें मतलब सेरेमिक में तो हजारों तरह की चीजें आपको वहां मिलती हैं। मेरे को खुद मतलब हर बार कुछ ना कुछ नया मिलता है। तो ये बहुत क्यूट पिगी बैंक्स हैं, गुल्लक एक तरह से गुल्लक हैं, तो आप लोग जाके ले सकते हो इसको भी। नेक्स्ट जो आइटम है वो ये कैंडल है। ये कैंडल मैं वहां से लेकर आई हूँ, ये मुझे 150 में पड़ा है। और उसके बाद दिवाली के मैं कुछ दिए लेके आई थी, ये कुछ 30 रुपीज ईच पड़ा, तो मैं 10 दिए वहां से लेकर आई थी। काफी अच्छा कलरिंग वगैरह और बहुत सुंदर थे इसके। तो भाई इसके बाद आते हैं हम हमारे ये लैंप के ऊपर। ये लैंप मैं वहां से लेके आई हूँ, ये मुझे पड़ा है 100 रुपीज में, क्योंकि इसमें थोड़ा अगेन डिफेक्ट था यहाँ पे, तो मुझे लगा यार क्या फर्क पड़ता है इतना। वैसे इसके 500 बोल रहे थे, बट बार्गेनिंग करने के बाद ये 100 रुपीज में मुझे मिल गया। तो ये भी बहुत अच्छी डील मुझे लगी। इवन डिफेक्टेड है बट कोई बात नहीं, एस इंडियन है यार, ऐसे नहीं तो ऐसे करके रख लेंगे, क्या फर्क पड़ता है, 100 रुपीज में बहुत अच्छी डील। सो गाइज ये था मेरा आज का बंजारा मार्केट का हॉल वीडियो। होपफुली आप लोगों को सबको बढ़िया लगा होगा। एकदम कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि कैसा लगा, और मैंने प्राइस बिल्कुल जो मैं बाय करके लाई हूँ वही आपको बताए हैं। तो अगर आप लोगों को भी अच्छा लगता है, आप लोगों को भी चीजें खरीदनी है, तो आप जाके खरीद सकते हैं बंजारा मार्केट में। बट आप लोग बार्गेनिंग अच्छे से करें और अच्छे से चूज करें प्रोडक्ट को, कि जो आप आइटम ले रहे हैं वो डिफेक्टेड ना हो। तो इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय। और जो नए हैं प्लीज चैनल पे सब्सक्राइब करके जाइएगा, और मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। लव यू, बाय बाय।